मोटर में पोल क्या होता है? मोटर में दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर। तो रोटर होता है वो तो घूमता है, लेकिन जो स्टेटर होता है उसमें हम वाइंडिंग कर देते हैं। अब उस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो उसमें पोल बन जाते हैं। पोल का मतलब ये हुआ कि जैसा हमारा मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में जैसा नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना, उसी तरह से मोटर के स्टेटर के अंदर भी पोल बन जाते हैं। जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ दो पोल बनते हैं ना, इसी तरह से जो मोटर में जो भी पोल बनते हैं वो दो के गुणक में ही बनते हैं, मतलब दो चार छः आठ इस तरह से मोटर में पोल बनते हैं। जितने ही पोल बनेंगे उसी के अनुसार मोटर का आरपीएम का निर्धारण होगा। दो पोल बने हुए हैं तो 3000 आरपीएम होगा, चार पोल बना हुआ है तो 1500 आरपीएम होगा, अगर छह पोल बना हुआ है तो 900 आरपीएम होगा। इसी तरह से आप पोल को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L = 120 F/P। तो इसी तरह जॉब वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।